8 फरवरी का जो डेट है बसर चिचम, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के खूबसूरत खूबसूरत जवान वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और इस तरफ हम कहते हैं इलेक्शन करो। इतना फोग है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। Those who are in favor of the resolution में से आए, those against the resolution में से नो। I think the eyes have it, the resolution is passed. सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर, करारदाद आजाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे, किसी ने कोरम की निशानदही न की। नून लीग की सेनेटर अफनानुल्ला और निकराम वजीर इतलात मुर्तजा सोलंकी ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी पीजे के गुरदीप सिंह, काफली के कामिल अली आखा ने हिमायत की। बाप पार्टी फाटा अरकान आसाद सेनेटर्स ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में कहा गया मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावट पर हमले हुए, एमल वली और दीगर सियासी रहनुमाओं को धमकियां मिली हैं। जनवरी फरवरी में बलोचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सख्त होता है, महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना के फैलने का इंदिया दे रहा है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे, साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। करारदाद कसरत राय से मंजूर, नोटिफिकेशन जारी, कॉपी मुतालिका हुकाम को इरसाल। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस, एक हफ्ते में जवाब तलब। पीपी सेनेटर बहरामन तंगी ने करारदाद की हिमायत की तरदीद कर दी, कहते हैं मेरे समेत 3 सेनेटर ने करारदाद की मुखालफत की, करारदाद अचानक आई, पता होता तो कोरम की निशानदेही करता। पीपी सेनेटर की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बुजदिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाबे चेयरमैन, 2013 के इलेक्शन में जनाबे चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती है? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। लीगी सेनेटर अफनानुल्ला ने कहा 2013 और 18 में सूरत हाल इससे भी खराब थी, दूसरी जंग असीब में भी इंतखाबात का अमल नहीं रुका, हम 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे, हम डरने वाले नहीं। दूसरी जानब नगराम वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं, इंतखाबात कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हम किसी आइनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, अभी तक इलेक्शन के इल्तवा का कोई इशारा नहीं मिला। इलेक्शन तो होंगे। बिलावल भुट्टो का सेनेट की करारदाद पर रद्दअमल, शेरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। बहरामन तंगी की मुखालफत वाजे नहीं थी तो वाजे होनी चाहिए थी। बैरिस्टर गोहर ने करारदाद को आइन और जमहूरियत पर यलगार करार दे दिया, कहा गैर आइनी करारदाद की मंजूरी तौहीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग का 2 टोक मौकिफ है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन इल्तवा की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, कोरम पूरा नहीं था, ऐसी करारदाद की कोई हैसियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार कर दे अमल। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, सेनेट पे पेश होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकाम इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बासठ 1F के तहत ना अहली की मुद्दत क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया,
शॉर्ट ऑर्डर आज सुनाएंगे, कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा किसकी मुश्किल पहेली का हल निकालना ही असल काम है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सात रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम बुनियादी आईनी हकूक और तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपके मुताबिक ना अहली का डेक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, वकील ने कहा जी डेक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा, सिविल कोर्ट फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक का उम्र खत्म नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल और मामूली गलती पर सजा ताहयात है, हम अभी तक आइन की शिक की लैंग्वेज पर फंसे हैं, आइन बनाने वाले समझदार लोग थे, एक डिक्टेटर ने लोगों को नाअहल करने की तरामीम की, अयूब खान से दस्तंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आयन की तशरीह गलत की। 62(1)F केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा अदालत को मुख्तलिफ आयनी सवालात का तायुन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तायुन करे अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकते ये करे और ये ना करे। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच केस में उमर अता बंदियाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। मारूफ आलमदीन मौलाना मसूदुल रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना मसूदुल रहमान सुन्नी उलमाए काउंसिल के डेप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। मुसल्ला अफराद ने इस्लामाबाद के गौरी टाउन में फायरिंग की, गोली लगने से मौलाना का साथी जख्मी। पिम्स अस्पताल के बाहर कारकुनान का एहतजाज, मैयत का पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमाज जनाजा आज दोपहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, बाकी जमातें अशराफी की नुमाइंदगी करती हैं। गरीबों, मजलूमों और किसानों का पाकिस्तान बनाना है तो पीपल्स पार्टी को लाना होगा। नौवें वाकयात, बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद घेरा तंग। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। उधर सानहा 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजर आम पर, सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। शरपसंद जमात का परचम उठाए तखरीब कारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। पीटीआई के हैवी वेट्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी को इन्हें 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर। उमर अयूब हरिपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फी बुखारी और शौकत बसरा के कागजात पर अपील मंजूर। एन ए 238 से हलीम आदिल शेख क्लियर करार। एन ए 236 से आलमगीर खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आजम सवाती की अपील खारिज। मुश्ताक अनी की अपील पर बहस मुकम्मल। रावलपिंडी के 3 हलकों से शेख राशिद इलेक्शन के लिए अहल करार। नवाज शरीफ मानसहरा से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियरेंस के मुंतजर। कायद नूली के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी को होगी। उधर फवाद चौधरी को एन ए 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कोर्ट बुट केस में फवाद चौधरी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कहते हैं कि इस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, फैसला अभी बाकी है। बानी चेयरमैन पीटीआई का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मज़मून शाया, लिखा पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात एक मजाक साबित हो सकते हैं। वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पीटीआई को गैर मुनसिफाना तौर पर दबाया जा रहा है। आवाम को शकूक व शुबहात हैं कि 8 फरवरी को उनके वोट का असर होगा या नहीं। उधर निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बानी पीटीआई के आर्टिकल पर द इकोनॉमिस्ट के एडिटर से पूछा जाएगा।
जेल पे मौजूद सजायाफ्ता फर्द के नाम से मजमून की इशात हैरानकुन और परेशानकुन है। हम जानना चाहते हैं अदालती फैसला कैसे किया गया। मुझ पर जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा, फैसल वावडा का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ और दीगर मेरे कंधों पर रखकर अहल होने जा रहे हैं, मुझ पर अल्लाह का एहसान है, किसी और का नहीं। लूली लंगड़ी नून लीग का वजीर आजम इसी वावडा का सहारा लेकर इक्तदार में आ रहा है। मेरी माँ की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों को मैं भूला नहीं, एहतसाब तो उनका भी होगा, मुझे 20 साल ही क्यों ना इंतजार करना पड़े। शाहीनों पर व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। सिडनी टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप, 68 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। 4 खिलाड़ी खाता खोले बगैर ही चलते बने। शाद मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान और आगा सलमान 0 पर आउट। साहिब मयूब और बाबर आजम बिलतरतीब 33 और 23 रन बना सके। साउथ शकील सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलवी टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम आज 82 रन की बढ़तरी के साथ दूसरे इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर जमाल ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। 1 इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। आमिर जमाल ने सिडनी टेस्ट में भी टॉप गियर लगा दिया। तबाहकुन बॉलिंग से कैंगरूज को घुमा दिया, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 9 जून को न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका शामिल। मेगा इवेंट के अफ्तिताही मैच 1 जून को होगा। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाओं ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। स्कर्दू में पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा समेत सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी, सरात में भी दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। पंजाब के कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियों में 14 जनवरी तक तौसी कर दी गई। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने 100 से ज्यादा मकामात पर रॉकेट बरसाए। दीर अल बला, नौसिरात और अल मुगाजी कैंप्स पर शदीद बमबारी। जबालिया कैंप में फजाई हमला, 50 मकानात तबाह। खान यूनस में 32, रफा में 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नमाज जुम्मा के लिए जाने वाली खातून को शदीद जख्मी कर दिया। खुले आसमान तले नमाज जुम्मा अदा करने वालों पर गंदे पानी का छिड़काव। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी। यमन में लाखों अफराद का मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकिन की रिहायशगाह के बाहर खवातीन का एहतजाज। जनूबी अफ्रीका, उर्दन, ओमान में भी लोग सड़कों पर निकले। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, सफारी जू पार्क में नाइट सफारी शुरू करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 100 किस्म के नए जानवर लाए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे। चिड़ियाघर में नए 3 हाथी लाए जा रहे हैं। कहा, अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करके चिड़ियाघर को खोल देंगे। एमकेएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम जारी। कराची सुरजानी में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है एमकेएम इस्लाहाती और आम लोगों की जमात है, इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत हासिल करेंगे। अच्छा या बुरा जो भी है, क्रेडिट मुतालिक वजीर को मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तला सिंह अहमद शाह कहते हैं कुछ बुरा हो रहा हो तो मैं क्यों जवाब दूं। वज़ीर बल्दियात ने इतना अच्छा काम किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मेरा
कैंगरूज को शाहीनों के खिलाफ सीरीज जीतने का सिला मिल गया। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। भारत की दूसरे दर्जे पर तनसली, पाकिस्तान का छठा नंबर पर करार। बैटर्स में बाबर आजम छठी पोजीशन पर चले गए। उधर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा में मुकाबला ऐलान। रवा माह के आखिर में होगा। कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी है। स्कूल के साथियों को दहशतगर्द हमले से बचाने के लिए जान की कुर्बानी दी। बेमिसाल जुरत और बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा शुजात से नवाजा। कौम का बहादुर बेटा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।